बेल्टवॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स, दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। दमोह जिले में तेज रफ्तार वाहनों का कहर जारी है। सब्जी लेके घर लौट रहे नाती व नाना के लिए अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद उन्हें पहले कौमारी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से 108 की वजह से दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। वहीं घटना के संबंध में नाना के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि वह सब्जी लेकर लौट रहा था, अपने घर जा रहा था। उसी समय रास्ते में अज्ञात वाहन ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे नाना और नाती दूर जा फेंके। दोनों का इलाज गंभीर हालत में जिला अस्पताल में जारी है। पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना के संबंध में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? विष्णु प्रसाद। विष्णु प्रसाद कहाँ के हो? चीलघाट की नर्सरी में था सर, वहीं खेत था अपना। क्या हो गया आपके साथ? हम सर बता रहे थे, ये नाती है मेरा, आरत कोई पीछे से मार गए, साइकिल लेके सब टूट गए, हम दूर फिका गए। कैसे थे आप? साइकिल से सर। कहाँ जा रहे थे? आ रहे थे घर सर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम सर घर आ रहे थे बाजार करके, सब्जी भी लिए थे। कहाँ की घटना है ये? दीप पुल है सर, उसके आगे। कहाँ पे? एक ढाबा है सर, दो ढाबा है, एक मुहूर्त का ढाबा है, एक और है, बीच में पुल है, वहाँ की घटना है। कहाँ? नहीं सर, ये बांदकपुर रोड आता है कुमारी से। कुमारी? हाँ सर, थाना कुमारी लगता है। हाँ सर, तो साहब आ गए थे, बंदरा मैडम भी अच्छी है, वही लोग फिर मेरे को गाड़ी वाड़ी भेजे। कैसे आए हो? वो एक गाड़ी भेजे तो फिर थाने वालों ने मिल गए। तो कितने लोग थे आप लोग? हम दो ही थे सर। दो ही लोग साइकिल से जा रहे? नाती थे, आ रहे थे सर। वैसे तो सर मैं ड्राइवर आदमी, लेकिन क्या बताऊं।